What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी अबाउट मनी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भी पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर रहे हैं, या जो लोग पीआर लेकर आ रहे हैं जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, वो मनी कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियली अपना जो प्रोफाइल है, जो पोर्टफोलियो है उसे कैसे बनाया जाए, या लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है जिसके कारण आप आगे जाके एक स्टेबल ज़िंदगी की शुरुआत कर पाओ, या फिर जो भी आपके पास है उसे स्केल कर पाओ। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे उन लोगों को आता है जो कि इंडिया से तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला होता कि पैसे मैनेज करने का, इन्वेस्ट करने का, या फिर सेव करने का। और जब हम कनाडा में आते हैं तो यहाँ के जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो सारे अलग हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत सारे मल्टी मिलीनियर लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैं लकीली 8 से 9 साल की अपनी जर्नी में मिला हूँ थ्रू वेरियस इवेंट्स, वेरियस यू नो सोशल गैदरिंग्स, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्लस मैंने ये भी सीखा है कि बुक्स के थ्रू कि कैसे अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये सारी नॉलेज को क्यूमुलेट किया जाए, एक वीडियो के अंदर डाला जाए। आप अब अगर ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके मन में बैठ जाएंगे, और अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो आपकी जी लाइफ हो जाएगी बहुत ही आसान और आप होगे जी एकदम फाइनेंशियली फ्री। ये मेरा वादा है आपके साथ। वीडियो शुरू करते हैं जी आज की। लेट्स टॉक अबाउट मनी टिप्स। तो जी दोस्तों शुरू करते हैं टिप्स से, और सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है रिलेटेड टू क्रेडिट स्कोर। अब आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, लेकिन कनाडा के अंदर क्रेडिट स्कोर एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लाखों डॉलर का फ़ायदा करवा सकती है ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ यू नो रेजिडेंसी हेयर, या फिर नुकसान, या फिर शायद आपको लोन ही ना मिले। तो जितना ज़्यादा किसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा ना, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल है उनको लोन मिलने का। घर के ऊपर अगर आप कुछ ले रहे हो तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, आपको पता ना इस टाइम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के पटाखे बजे हुए हैं, ठीक है ना, जो 1-1% पे घर मिलते थे आज की डेट में 6-6% हो रखा हुआ है, जान निकली। और ये 6% मैं बेस्ट केस बता रहा हूँ, जिन लोगों के क्रेडिट स्कोर बुरे हैं उनको तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ। होता क्या है कि जब यहाँ पर इनिशियली इंटरनेशनली यू नो लोग इमिग्रेट होकर आते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर परमानेंट रेजिडेंट, तो आते ही हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है वो थोड़ी सी इंपैक्ट होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना लोन ले रहे हो। और कई लोग अपने पहले 4-5 सालों में ही अपना क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब उस 5-6 सालों के बाद लाइफ की एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि आपको घर वगैरह खरीदना है, बड़े कैपिटल परचेजेस करने हैं, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है, और यहाँ पर क्रेडिट स्कोर को बहुत सीरियसली लेते हैं। प्लीज़ आप भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, थोड़ा सा अपने बैंक से भी पूछना, और भाई ध्यान से कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है टाइम पे दो, फोन की पेमेंट है टाइम पे दो, कोई लोन अगर ले रहे हो तो देखो 10 बार सोचो कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, बट इन द एंड आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई होना चाहिए। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, कॉमेंट्स में जाके बता देना, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ क्रेडिट स्कोर को बहुत सीरियसली लो, इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर लाइफ पूरे टाइम कनाडा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जी टाइम। टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन कनाडा, सो डोंट वेस्ट इट। इंडिया में जैसे होता था ना 50,000 या 1,00,000 रुपये सैलरी के ऊपर बंदे को खरीद ही लेते थे, उसको कहते थे कि भाई अब तू हमारा हो गया, हमने तुझे खरीद लिया, अब सारे काम तू करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको आवरली पे मिलने वाली है। तो जब भी आप अगर लेट्स से $20 पर आवर कमा रहे हैं, तो अगर एक नाइट के ऊपर आप $300 स्पेंड करने वाले हैं पार्टी की, 200, दैट्स नॉट 300 और 200, दैट्स लाइक योर 20 आवर्स यू नो और 25 आवर्स ऑफ वर्क, क्योंकि आपको यहाँ पर आवरली पे मिलने वाली है। तो इनिशियली जब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो हम अपने कैपिटल परचेजेज इतने ज़्यादा कर देते हैं कि एंड में जाके इट विल कॉस्ट यू फ्यू 100 आवर्स ऑफ योर वर्क और 1,000 आवर्स ऑफ योर वर्क। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम को एज एन एसेट देखना है, तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप टाइम वेस्ट कम करो, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके कितने घंटे जा रहे हैं इमेजिन करके चलो कि वही अगर आपके पास कोई स्किल है या अगर आप काम कर लेंगे तो उतने ही पैसे आपके बन जाएंगे जो कि आप खर्च कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट अगेन ट्राई टू सेव टाइम एज मच एज पॉसिबल एंड ट्रीट इट एज एन एसेट। नेक्स्ट पॉइंट इज मैरिज एंड रिलेशनशिप। हु यू चूज टू मैरी इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर बिगेस्ट मेंटल एंड फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। कनाडा के अंदर जितने भी कपल्स होते हैं मोस्टली सारे जाने काम पे हैं। जैसे मान लो अगर बंदा बंदी दो जाने आपस में शादी करके रह रहे हैं, लड़का भी काम पे जाएगा, लड़की भी काम पे जाएगी, ठीक है ना। तो अगर घर के कोई खर्चे हैं सारे यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। अगर आपने गलती से एक गलत रिलेशनशिप में चले गए या फिर एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि बाद में जाकर कॉल ऑफ हो जाता है, तो इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग एंड किडनी एंड आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज यहाँ पर लीगल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
मेंटल कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो काम से निकल ले जाओगे, और गलती से अगर आपको प्यार ज़्यादा हो गया या आपका रिलेशनशिप थोड़ा चल गया तो यहाँ पर सारी ज़िंदगी के लग जाएंगे आपके, आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाइल्ड केयर कॉस्ट, ये वो, इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। बेसिकली शादी एक फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है, तो जल्दबाजी में आके कहीं निकलना जाना भाई, तो रिलेशनशिप ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, जो वो आ जाता है, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु टॉक अबाउट ग्रोथ, हु टॉक अबाउट यू नो लर्निंग समथिंग न्यू और मेकिंग मोर मनी, और ट्राई टू शेयर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब खासकर वो लोग, मैंने देखा है इनिशियली कहीं की शुरुआत ही इतनी ख़राब हो जाती है, जैसे आते हैं रिश्तेदारों के पास, अब जो रिश्तेदार यहाँ पर पुराने बैठे हुए हैं, जो ना तो कभी यूनिवर्सिटी गए, ना उन्होंने कभी कोई प्रोफेशनल लाइफ की हवा ली, ना उनको कभी कुछ पता है कि सक्सेस कैसी होती है, गोल्स क्या होते हैं, एम्बिशंस क्या होते हैं, वो अपनी मेंटल सोच, जो नया बंदा आया होता है ना, उसका दिमाग ग्रिल कर करके उसको बोलते थे भाई तू क्यों पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, जाए काम कर, तो यहाँ पर जाए इस फैक्ट्री में जाए, यहाँ कर, या यहाँ पर जाकर ये वाली शिफ्ट लगा, छोड़ पढ़ाई में तेरे पैसे नहीं बनेंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो होता है कि जी नया नया बंदा जो आया होता है ना, वो उन्हीं बबल्स के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि उसको आसपास एनवायरनमेंट ही ऐसा मिल रहा है जो कि मेंटल प्रेशर के साथ उसका दिमाग चेंज कर देता है। या फिर अगर स्टूडेंट्स रूममेट्स के साथ रह रहे हों जो कि बिल्कुल पैसे खर्चने वाले हों, और उनका माइंडसेट भी वैसा हो कि खर्च उड़ाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, सीखना सूखना क्या, कोई ना, फेल हो जाएंगे वापस चले जाएंगे, पापा का बिजनेस है हमारे, तो ये वाले जो सर्कल्स हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहो। अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जो फाइनेंशियली एक यू नो होप देख रही थी कनाडा के जर्नी के अंदर आपके, या फिर आपके भी कुछ ड्रीम्स कुछ एस्पिरेशंस हैं प्रोफेशनली, तो कोशिश करो आप आसपास भी वैसे लोगों को ही रखो, और उन लोगों के साथ ही बातचीत करो या दोस्ती करो जो कि ग्रोथ या पॉजिटिव पोटेंशियल्स की बात करें, ना कि अपनी पुरानी सुपरस्टिशन या फिर फेलियर्स की जो ज़िंदगी की स्टोरीज़ हैं वो सुना सुना के आपका दिमाग भी वैसा कर दें, फिर आप भी एक रोबोट बन जाओ और आप आगे जाके लोगों का बेड़ा गर्क करो, तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। पॉजिटिव सर्कल बनाना यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, ये पर्सनली आजमाई हुई बात है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड बाइंग अ हाउस और अ प्रॉपर्टी। अब इनिशियली जब हम आते हैं ऑब्वियसली हम लोग सुनते हैं कि भाई घर 8 लाख डॉलर का घर है या 10 लाख का घर है, अरे ये तो 5 करोड़ का हो गया, 6 करोड़ का हो गया, तो ये नंबर हमारे लिए बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इन बड़े नंबर्स को आपको एक टाइम पर जाकर क्रंच करना है और इन्हें ओवरकम करना है, ठीक है ना। मैंने भी किया, तो आपको इस चीज़ के बारे में शुरू से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देनी पड़ेगी कि भाई मुझे एक टाइम पर जाकर रियल एस्टेट में पैसा डालना है। अब बड़े लोग बोलेंगे कि भाई नहीं रियल एस्टेट नहीं करना, उसमें ये होता है फलाना होता है, लोन लेना हमारी ज़िंदगी का काम नहीं है। ओ भाई लोन भी तरह तरह के होते हैं, गुड डेट बैड डेट, इसीलिए मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही वाली बात, अगर आप पागलों के साथ बैठे रहोगे जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, तो वो आपको अपनी ही एग्जांपल्स दे देंगे, इंप्रेस कर देंगे, वैलिड रीजंस दे देंगे कि भाई तुम घर खरीदोगे तो तुम डूब जाओगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, एक टाइम तक रहो जब तक आपको पता है कि आपके पास खर्चे उतने आपके हिसाब के, लेकिन एक टाइम पर जाकर आपको रियल एस्टेट लेने के लिए अपना माइंडसेट तैयार करना चाहिए। रेंटल विल ओनली प्रोवाइड यू शेल्टर, बट बाइंग अ प्रॉपर्टी विल ओपन अप सो मेनी अदर डोर्स फॉर यू। सबसे पहली चीज़ है बाइंग अ प्रॉपर्टी विल हेल्प यू बिल्ड इक्विटी। आप कुछ पैसे देके पूरी प्रॉपर्टी की इक्विटी अपने नाम कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि भाई उसके इंसेंटिव्स बहुत होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के जो रेट होते हैं ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कभी भी नहीं होता कि नीचे चले गए या खत्म हो गए। हाँ कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही हाइप होती हैं, बट आप जब उस लेवल पर आएंगे आपको पता होगा, और कनाडा के अंदर ये रिकॉर्ड रहा हुआ कि मोस्टली जितने भी देसी या इमिग्रेंट उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट से कमाया। मैंने भी जब अभी 1 साल हुआ मुझे घर लिए हुए, और ऑलरेडी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन मुझे अप्रेजल मैंने करी थी तो उसमें आ गई थी, और अभी तो मार्केट इतनी गिरी हुई है और अभी भी वो सारे कह रहे हैं मज़ा आ गया, अभी बढ़ गए पैसे। और मैं उन कई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ही अपनी जो रियल एस्टेट है उससे बहुत पैसे कमाया। तो इंसेंटिव बहुत है, पहले तो आपको इक्विटी मिलती है, ठीक है ना, दूसरी चीज़ यह है कि आपकी जो एप्रिसिएशन वैल्यू है वो बड़ी हो रही है, तीसरी चीज़ यह है कि इट हैज़ पोटेंशियल टू मेक मनी। लाइक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो तो है ही है, आप इसके ऊपर भी पैसे बना सकते हैं, आप रेंट कर सकते हैं, रेंट से पैसे कमा सकते हैं, एयरबीएनबी कर सकते हैं, वहाँ से पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो रियल एस्टेट इन द एंड आपको देके जाएगी। वो फ्लिपिंग वाला सीन नहीं है, बेसिकली यू बाय एंड होल्ड एंड वेट एंड वॉच, छोटा सा पौधा लगाते हैं ना धीरे धीरे पेड़ बनता है, तो रियल एस्टेट के बारे में भी ज़रूर सोचो। और अगेन इसके ऊपर मेरी आगे जाके पूरी, मैं फाइनेंशियली पूरी सीरीज़ तैयार करके बैठा हूँ 2023 की, अपने बम फोड़ देना, बट ये काम भी करो, 1 से 2, 2 से 3, धीरे धीरे अपना जो आप एक्सपेंड करोगे ना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, बड़ा मज़ा आएगा, तो रियल एस्टेट के बारे में भी ज़रूर सोचो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू गाड़ियाँ या फिर कार्स। डोंट ओवर स्पेंड ऑन नाइस कार्स। कैनेडा इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री,
इट विल गिव यू एंड ऑफर यू एवरीथिंग बट इट डजेंट मीन दैट यू विल टेक इट इनिशियली बिग नो. जब आ रहे हो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको एप्रिशिएटिंग एसेट्स के बारे में ऐसा अपना थॉट प्रोसेस बनाना है अगर आप चाहते हो, ठीक है ना. अगर आपको शौक है बहुत बड़े बड़े, फिर ये सारे पॉइंट्स इनवैलिड हो सकते हैं, यहाँ अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है ना. तो इस मामले के अंदर ये होता है कि आता ही ये नहीं कि 40 या 50 या 60 हज़ार डॉलर की गाड़ी निकाल ली क्योंकि लोन मिल रहा था और पेमेंट मैनेज हो सकती थी मंथली. नो, आपने बड़े लोग मैंने यहाँ पे देखा मंथली पेमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, बोलते हैं जी मंथली दे रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं, गाड़ी की किस्तें चाहे 10 साल भी चलती रहे. ऐसे नहीं होता होता भाई. आपको पहले यहाँ पर बड़ी चीज़ बनानी है, छोटी छोटी चीज़ें अपने आप आती रहेंगी. मेरे को पता है आते ही लगता है कि हाँ भाई यार ये जो फोर्ड मस्टैंग है या फिर या कोई भी यू नो हॉटस्पॉट गाड़ी जा रही है, कमारो जा रही है, ये कॉर्वेट है जी, ये तो बड़ी मज़ेदार है, मिल रही है, ले सकते हैं. नहीं, पहले एक बड़ा घर ले लो या बड़ा नहीं तो छोटा घर अपने नाम करो, उसके आगे जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी करो. ये प्लान होना चाहिए, सच्ची में आपको बता रहा हूँ. उससे ईजी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने बड़ा काम कर लिया, बड़ा पहाड़ तोड़ लिया. आप छोटे छोटे तो यार हवा वाली बात है, वो तो होता ही रहेगा. क्योंकि अगर आप मान लो 50-60 हज़ार की गाड़ी ले लेते हैं, 2 साल में उसमें 20-25 हज़ार डॉलर या 15 हज़ार डॉलर की डेप्रिसिएशन आ जाती है. अरे यार वही 20-25 हज़ार दे के आप डाउन पेमेंट करके कोंडो ले सकते थे. मॉन्ट्रियल के अंदर 5 लाख डॉलर का कोंडो आ जाता है जिसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए 5%, यानी $25,000 $25,000. तो 25 अगर आप सेव करके दे दो, कोंडो अपने नाम कर लो, रेंट का पैसा जो था वो बैंक को दो एज अ पेमेंट, और जो आपने रेंट में पैसा देना था उसके ऊपर आपने जो भी खर्चे करने थे गाड़ी ले लो, कोई चक्कर नहीं, 500-600 डॉलर की किस्त बनाओ, ले लो गाड़ी. तो बेसिकली आप अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि पहले इक्विटी या एसेट्स में पैसा डालो और फिर आप बढ़िया गाड़ी लो. उससे पहले आप कोई भी, आपने काम पे जाना है, कैनेडा में गाड़ी लेना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं यार. 5-10 हज़ार डॉलर की गाड़ी ले लो, चलाओ उसको थोड़ी देर, हाथों सेट करो, साथ में यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और जब तक आपको सारी गेम समझ आ जाएगी फिर अपनी पसंद की गाड़ी लो ना, कौन रोक रहा है. मैंने खुद अपनी गाड़ी की जान निकाल दी, मेरे पास थी शेवरले क्रूज़, मैंने आते ली थी, मैंने लिटरली जब तक उसके धुएं नहीं निकल गए ना तब तक नहीं मैंने उसको निकाला. इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीप, उसका मतलब ये है कि मैं एनविजन कर रहा था कि मैं जितनी देर तक जो पैसे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितने का आते थे थोड़े बहुत उन्हें सेव कर करके मैं कह जी एक बार वधिया कार ले लेंगे तो बाद गड्डी लवाएंगे, तो वो फिर प्लानिंग बन गई अपनी. तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली आपको भी अप्लाई करना चाहिए. ठीक है जी, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है जी, वो आ जाता है रिलेटेड टू वेल्थ, नहीं एक्चुअली हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ से रिलेटेड, और ख़ासकर अगर आपने, आपको पता है आपने यहीं पर रहना है पक्के कनाडा वाले होके, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बाकी इस पॉइंट को बताने से पहले, जिन लोगों ने मेरी मेडिकल एक्सपीरियंस वाली वीडियो नहीं देखी ना, मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर, प्लीज़ जाके 5 मिनट स्किप कर करके तेज़ कर करके चाहे देख लो, बट देखो ज़रूर कि मेरा क्या हाल हुआ था जब मैं हॉस्पिटल गया था. या फिर अगर आपका कोई यहाँ पे रहता है उनसे पूछो मेडिकल सिस्टम कैसा है. 0 नंबर बहुत बड़ा होगा, तो 0 से नीचे अगर कोई नंबर होता ना तो मैं वो नंबर देना चाहूँगा कनाडा के मेडिकल सिस्टम को. अब इस पॉइंट के ऊपर बड़े लोगों ने, जब मैंने अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस की वीडियो बनाई ना, नीचे गालियां दी, पसंद नहीं है तो वापस चले जाओ, ये वो दे वो दे वो दे. ये वही लोग हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं है, वेले हैं. बट वैसे मैं आपको बता दूं, हेल्थ इज़ वेल्थ. यहाँ पर हेल्थ मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है. हॉस्पिटल सिस्टम यहाँ पर बहुत ही बकवास है. एमरजेंसी में अगर मान लो आपका हाथ कट जाता है तो 4 घंटे वो आप कटा हुआ हाथ लेके बैठे रहोगे, आपको कोई पूछेगा नहीं. और ये सच्ची वाली बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा. डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि सिरिंज कहाँ लगानी है, तो वो आपसे पूछेगा सिरिंज कहाँ लगानी है. जैसे मैं एक बारी किडनी स्टोन के कारण गया था, तो डॉक्टर मुझे पूछता कहाँ लगानी है सिरिंज. मैंने कहा भाई डॉक्टर आप हो कि मैं हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे जल्दी से लगाओ, मुझे पेन हो रही है. तो उन्हें 2-3 जगह और करके पेन पूरी कराती, गंदा अल्लाह फड़ हो रहा होता है कनाडा. बेसिकली यहाँ पर आपको हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ की मॉडर्न फास्ट पेस लाइफ में हम खो जाते हैं और हम खाने पे ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है. जैसे मेरी भी पूरी कोशिश रही है कि पिछले कितने भी सालों में मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहे, फिजिकल एक्सरसाइज होती रहे. ठंड में जब जाना है तो टेम्परेचर बॉडी का चेंज है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे. तो हेल्थ का ज़रूर मेंटेनेंस रखो. अब उन लोगों के लिए आंसर कि भाई अगर कनाडा के अंदर हेल्थ इतनी ही बुरी है तो मतलब फिर कैसे लोग सर्वाइव करते हैं. देखो जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लग्जरी ब्रांड वाले लोग नहीं होते, जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, जो लग्जरी गाड़ियों वाले या लग्जरी शॉपिंग वाले होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता. कनाडा के अंदर भी एक लग्जरी हेल्थ इंडस्ट्री है जिसका एक्सेस मैंने रिसेंटली अभी लिया और मुझे आ गया जी मज़ा.
पहले तो वो सबसे महंगी उसकी मंथली पेमेंट्स और इंश्योरेंसेज हैं, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे चेकअप्स भी हज़ार 1500 डॉलर के हैं, जो कि आपकी इंश्योरेंस आपको पे करेगी। जैसे मेरे तो एम्प्लॉयर से सारा मुझे रीएम्बर्स हो जाता है, तो एक प्रीमियम कैटेगरी भी है, उस प्रीमियम कैटेगरी के बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उस प्रीमियम कैटेगरी में जाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एक ऐसी एप्लीकेशन आ गई है जिसमें सीधा जाओ, बटन दबाओ, 15 मिनट से नर्स मैसेज करेगी, हेलो पारुल, हाउ कैन आई हेल्प यू, अच्छा आपको टेस्ट करना है, आपकी दवाई रेडी है, जाके पिकअप कर लो। अब ये वाला सिस्टम हो गया हुआ है, साल पहले कहानी कुछ और थी, 2 साल 3 साल 4 साल पहले। तो हेल्थ को बहुत मेंटेन करो, दवाइयाँ अपनी लेके आओ जितनी कनाडा इंडिया से लेके आ सकते हो, एंटीबायोटिक ये वो जो भी है सारा कुछ ले आओ, यहाँ पे आपको किसी ने कुछ नहीं देना। हेल्थ को मेंटेन करो, इसके ऊपर भी पूरी वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा। इस वीडियो से मैंने कितने टॉपिक निकाल लिए हैं, बट सारे आएंगे, कमेंट में बता देना कौन सा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग या हेल्थ। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं नटशेल में एक ही बात बोलना चाहूँगा, कनाडा में ये मैटर नहीं करता आप कितने पैसे कमाते हो, ये मैटर करता कि जितने भी कमाते हो उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हाई इनकम वाले हैं, लेकिन उनके खर्चे इतने हैं कि उनके पास बचता कुछ नहीं इन द एंड, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, और इन द एंड काम खराब। तो यहाँ पर कोशिश करो, जब आप रह रहे हो 9 to 5 के बाद, सोचो कि कहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे स्किल लर्निंग में करो ताकि कुछ स्किल्स सीख लो और उनसे फिर आगे पैसे कमा लो, या फिर पैसे इन्वेस्ट करो कहीं पे ताकि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सिक्योर हो। खर्चे जो हैं वो कम कर लो, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करते रहो, धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी, एक बार चल गई तो फिर अपने आप कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और फिर जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो इनकम आपने बढ़ाई और जो खर्चे आपने कम किए, इसका जो बीच का डिफरेंस है, इसे करो जी इन्वेस्ट अपने में, या फिर स्टॉक्स में, या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें आपको लगता है कि फ़ायदा है। ट्राई करो, पंगे लो, और आपकी बात बन जाएगी। होम अवे फ्रॉम होम सर्विस इज़ ओपन। अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं, मेरे साथ रुकना चाहते हैं, मेरे ही घर में जगह नहीं मिल रही आपको रहने के लिए, तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मेंटरशिप सेशंस आर इंक्लूडेड, फुल कोचिंग इज़ इंक्लूडेड टू लिव इन कनाडा और वर्क इन कनाडा। आपकी पार्ट टाइम जॉब की गारंटी भी मेरी, वो भी लगवा के देंगे। तो नीचे चले जाओ जी, वेबसाइट है www.parul.tv, वहाँ पर जाओ, एक्सेस करो, फाइनली आप बुकिंग कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे साथ अगर वीडियो कॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट, बुक माई टाइम, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, योर डिसीजन टू कम टू कनाडा, और वेयर यू आर गोइंग टू लिव और स्टडी और व्हाटएवर, जस्ट आस्क मी एनीथिंग। वेबसाइट नीचे दी हुई है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन पर क्लिक कर दो, अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी बता दो, ये कैसे लगी वो भी बता दो, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर देना भाई, नंबर्स बड़े कम होते जा रहे हैं आजकल, तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर देना। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग, टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।